नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। मित्र, जैसा कि ये आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अध्ययन कर चुके हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विस्तृत अध्ययन कर लिए हैं और उसका जो है सारा वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। जो मित्र अभी तक उसको नहीं देखे हैं वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर उसको ज़रूर देख लें क्योंकि उससे उनका एक टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हुए आज हम जो है एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो कि है संधि। तो आज हम संधि का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, अर्थात जब कोई दो चीज़ें मिलती हैं तो उसको संधि कहते हैं। इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा होते थे तो दो राज्यों के बीच में संधि हो जाती थी, अर्थात दोनों मिलके एक हो जाते थे कि कोई किसी बाहरी चीज़ का आक्रमण होगा या कुछ होगा तो हम लोग मिलके उसका निवारण करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार ये संधि है। संधि में क्या होता है कि दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ और ध्यान रखेंगे कि जो समास होता है, समास में दो शब्दों का मिलन होता है और संधि में दो वर्णों का मिलन होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया है कि संधि क्या होता है और समास क्या होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि जो है मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, एक होता है विसर्ग संधि। इसको देखते हैं। स्वर संधि उसे कहते हैं जब स्वर का मिलन स्वर से होता है तब उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। और जब व्यंजन का मिलन व्यंजन से होता है या स्वर से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, जब विसर्ग का मिलन विसर्ग से या स्वर या व्यंजन किसी से हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो आइए देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं। उसमें कौन कौन है देखते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि, ठीक है। तो ये होते हैं स्वर संधि के पांच प्रकार, ठीक है। तो देखते हैं इसमें दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, जैसे दीर्घ का शाब्दिक अर्थ ही होता है बड़ा, ठीक है। जहाँ पे स्वर संधि होने के बाद आपको बड़ाई, ठीक है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ दिखे वहाँ पर क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि सजातीय स्वरों का ही मिलन होता है, अर्थात छोटा या प्लस छोटा या बड़ा होगा, बड़ा या छोटा या बड़ा होगा, बड़ा प्लस बड़ा बड़ा होगा। यहाँ पे कोई विजातीय नहीं आएगा, मतलब ये नहीं है कि छोटा आ का मिलन छोटी से ही होगा तो वो दीर्घ हो जाएगा, नहीं, छोटा आ का मिलन छोटा या बड़ा आ से ही होके ही बड़ा होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे है इसमें उप प्लस आयुक्त उपायुक्त हो जाएगा, ठीक है। विद्या प्लस आलय विद्यालय हो जाएगा, ठीक। दया प्लस आनंद दयानंद हो जाएगा। इसमें और कुछ एग्जांपल हैं, जैसे सीमा प्लस अंत सीमांत हो जाएगा, ठीक है, और धर्म प्लस अर्धर्मार्थ हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं, आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा। इसको एक बार देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जिस पे स्टार लगा हुआ है उसको विशेष रूप से देखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसको एक बार देखने की ज़रूरत है। जैसे आ गया रसायन, रस प्लस आयन लिखा हुआ है, पता लगे नहीं तो हम नहीं देखे रहेंगे तो रस प्लस आयन लगा देंगे वहाँ पे। तो ये रस प्लस आयन है, ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं,
इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग नोट्स बनाइएगा, जैसे इसमें देख रहे हैं दीर्घ स्वर दीर्घ संधि, तो इसमें नोट्स बनाते समय ये चीज़ ध्यान रखा गया कि अगर मान लीजिए कोई नया वर्ड मिलता है तो यहाँ पे गैप दिया गया है, जिससे इसको हम और कुछ नया मिलेगा तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसा आप लोग भी करिएगा, जब नोट्स बनाइएगा तो उसमें थोड़ी जगह खाली छोड़ दीजिएगा, जिससे कुछ नया वर्ड मिले तो आप जोड़ लीजिएगा। एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या है, दीर्घ स्वर संधि की पहचान, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि की पहचान। दीर्घ स्वर संधि पहचान के लिए बीच में आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा बड़ा, ठीक है, बड़ी और बड़ाओ की मात्रा देखने को मिलती है। तो फिर देखते हैं इसमें अगर छोटी और आगे है कि छोटी ई का मिलन छोटी से हो, या छोटी का मिलन बड़ी से हो, या बड़ी ई का मिलन बड़ी से हो, तो भी वहाँ पे मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी। तो वहाँ पे भी दीर्घ स्वर संधि होता है, ठीक है। जैसे है आपका कवि प्लस इंद्र कवींद्र, गौरी प्लस ईस गौरीस, ठीक है, गिर प्लस ईस गिरीस, ये सारे एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा। ये आपको जो है इस ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, आप एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे श्री प्लस ई श्रीस हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें, और इसमें अब है छोटाऊ का मिलन, जब छोटाऊ से हो या बड़ाऊ से हो तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, बड़ाऊ हो जाएगा। जैसे देखते हैं इसमें, जैसे है इसमें बधु प्लस उत्सव, ठीक है, बधु प्लस उत्सव बधुत्सव, लघुधर ध प्लस ऊर्मि लघुर्मि। तो एक चीज़ आप यहाँ पे संधि में ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जैसे लघु है प्लस ऊर्मि है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बड़ाऊ है ऊर्मि में कि छोटाऊ है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आता है कि लघुर्मि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वहाँ पे लघु प्लस उर्मि यानी छोटाऊ और माप छोटी का मतलब ये भी दिया रहेगा और बड़ाऊ भी दिया रहेगा। अगर हमको नहीं पता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस सारे एग्जांपल को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, जिससे वहाँ पे कन्फ्यूजन ना उत्पन्न हो, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि इसमें जो है ये जो दीर्घ संधि है इसको हम लोगों ने आराम से देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं गुड़ संधि में, गुड़ स्वर संधि। गुड़ संधि में क्या होता है कि छोटा या बड़ा के बाद यदि छोटी या बड़ी आए तो ए हो जाएगा, और छोटाऊ बड़ाऊ आए तो ओ हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि जब छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी आता है तो क्या है, तो कैसे ए हो जाता है, ठीक है। जैसे नर प्लस इंद्र क्या हो गया, नरेंद्र, महा प्लस ईस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया महेश। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि गुड़ संधि में आपको जो है एक मिनट, गुड़ संधि में तो गुड़ संधि की पहचान में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ए और ओ की मात्रा आती है, मतलब यहाँ पे एक डंडा आता है, और वृद्ध इसी के साथ वृद्ध संधि को भी याद करने की कोशिश करते हैं कि वृद्ध संधि में आय और औ की मात्रा आती है, अर्थात वहाँ पे दो डंडा आता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको साधारण भाषा में जो है याद रख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें, ठीक है, इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे है नर प्लस इंद्र नरेंद्र हो जाएगा, ठीक है, और गढ़ प्लस ईस गणेश हो जाएगा, महाधनीस महेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए वाले एग्जांपल। अब देखते हैं ओ वाला एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें है जैसे ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश हो जाएगा, गंगा प्लस उदक गंगोदक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और आप एग्जांपल देख लीजिएगा, ठीक है। तो और इसमें देखिए एक चीज़ और है कि अगर छोटा बड़ा आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो इसका एग्जांपल और है कुछ देख लेते हैं। जैसे इसके एग्जांपल 3-4 हैं, बहुत ज़्यादा इसके एग्जांपल नहीं हैं, तो इसको देख लेते हैं। इसमें है जैसे महाधन ऋषि महर्षि, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि हो जाएगा, ठीक है।
तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल से हम जो है वृद्ध संधि और जो बचा हुआ है इसमें स्वर संधि में उसको देखेंगे, ठीक है मित्रों। और इसका जो PDF है आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से इसके एग्जाम्पल को एक बार ज़रूर देख लें और अपना खुद का नोट्स बनाएं। नोट्स बनाते समय जैसे बताए हैं कि उसमें गैपिंग ज़रूर रखें, क्योंकि अगर कोई नया मिलता है एग्जाम्पल आपको तो उसको नोट डाउन कर लें। इससे आपका जो है नोट्स बहुत ही अच्छा बन जाएगा और आपको सारे जो है एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।